सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी टेक्नोफायर। सो आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि अचानक से आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए, और फिर अचानक से ही डाउन होने स्टार्ट हो गए, तो ये क्या होता है? क्या ये वो लोग आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं? क्या उनको आपका कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है? या फिर यूट्यूब का कोई ऐसी पॉलिसी है जो आपके सब्सक्राइबर वापस से कम हो रहे हैं? सो इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं आज हम, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, बेसिकली क्या होता है कि YouTube जो है वो एक मशीन है। सो YouTube आपके चैनल पर जब जेन्युइन सब्सक्राइबर आते हैं, लाइक आपने अपने फ्रेंड से बोला भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, ठीक। सो उसने सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन उसने आपकी वीडियो को नहीं देखा, डायरेक्ट आया और सब्सक्राइब करके चला गया, तो इससे YouTube क्या है, इसको YouTube स्पैम समझ के और इसको ड्रॉप कर देता है, इस सब्सक्राइबर को ड्रॉप कर देता है। शायद उस टाइम ना करे, लेकिन कुछ टाइम बाद कर देगा। लेकिन उस जो सब्सक्राइबर है उसको ड्रॉप कर देगा 100%। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो एक स्पैम होता है। सो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को पहले बोलना है कि भाई पहले वीडियो देख कम से कम 2 मिनट, उसके बाद सब्सक्राइब कर। वीडियो पे, ना कि चैनल पे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दिया काम खत्म, ऐसा नहीं। वीडियो पे आपको सब्सक्राइब कराना है, कम से कम 2 मिनट वीडियो दिखानी है पहले, उसके बाद लाइक कर, कमेंट कर, जो भी करना है कर, लेकिन 2 मिनट के बाद सब्सक्राइब कर। इससे क्या होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी ये लगता है कि हाँ ये जेन्युइन सब्सक्राइबर है, इसने वीडियो देखी, उसको कंटेंट अच्छा लगा, इसलिए उसने सब्सक्राइब किया। अगर ले आप डायरेक्ट जाएंगे किसी के भी चैनल पर और डायरेक्ट सब्सक्राइब कर देंगे, तो इससे क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम आपके चैनल को, मतलब उस सब्सक्राइबर को आपके चैनल पर स्पैम समझता है और उसको ड्रॉप कर देता है, मतलब कि वो सब्सक्राइबर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। बहुत सारे लोग, क्या होता है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, राइट। सो क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो वो सब्सक्राइबर रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से जो सब्सक्राइबर खरीदते हैं। कुछ टाइम के बाद जो यूट्यूब एल्गोरिथम फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली इनको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। कुछ बोट होते हैं, बोट भी तो सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं ना कुछ, और कुछ मतलब कि जेनुइन इंसान होते हैं, मैनुअली करते हैं वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई वीडियो नहीं देखी आपकी, बिना वीडियो देखे आए, सब्सक्राइब किया और चले गए, फिर वापस से कभी आए नहीं, तो इसलिए ये भी एक मतलब कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको ऐसा लगता है कि ये भी एक स्पैम था, तो इसलिए उसको भी ड्रॉप कर देता है, चाहे उस टाइम ना करे, कुछ दिन बाद कर दे, लेकिन ड्रॉप कर देगा। सो इससे क्या है, आपका भी कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरी बात आपने पैसा खर्च कर दिया, तीसरा अगर आपने फ्रेंड से बोला तो फ्रेंड को लगा कि हाँ भाई उसने सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन आपका तो कुछ फायदा हुआ नहीं। इसलिए उससे बोलें, या जिससे भी आप सब्सक्राइब करा रहे हैं उससे बोलें कि आपको कम से कम 2 मिनट तक वीडियो देखनी है, उसके बाद लाइक कमेंट जो भी करना है करें, लेकिन 2 मिनट के बाद करना है जो भी करें, कम से कम। और अगर 2 मिनट से छोटी वीडियो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई 2 मिनट की है ही नहीं वीडियो, फिर 2 मिनट से छोटी वीडियो है, अगर 1 मिनट तक की है तो पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करें। जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट होते हैं, तो पूरी वीडियो देखो उसके बाद सब्सक्राइब करो, ये नहीं है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका वॉच टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ वो पूरी वीडियो देखने पर उसका जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, उसको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन सब्सक्राइबर है, कोई फेक सब्सक्राइबर नहीं है या कोई स्पैम नहीं है। सो इससे आपके सब्सक्राइबर रुके रहेंगे। सो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें अभी नहीं पता है, जो आपके चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज करो।